आप ये बताएं ये लड़का लैट से हमारे यहाँ यंग लड़के बैठे हुए हैं इनमें से बहुत सारे लोग अभी एस्पायरिंग कमेडी हो सकता है बनना चाहते हो कमेडियन लेकिन बहुत सारे लोग जो कमेडियन बनना चाहेंगे स्पेशली यूथ में वो किसी पाकिस्तानी कमेडियन को देख कर कमेडियन नहीं बन रहे हैं वो इंडिया की स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं वो बाहर की देख रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल देख रहे हैं हमारे जो कमेडियंस हैं क्लासिक कमेडियंस की बात कर रहा हूँ जिसमें हजारों नाम है हरी तो साहब हैं मोहम्मद जरीफ साहब हैं जरीफ साहब हैं रंगीला साहब हैं वो तो इस यूथ को इंस्पायर नहीं इन, इनको इंस्पायर कर रहा है पड़ोसी मुल्क की कॉमेडी हॉलीवुड की कॉमेडी वो ऐसा क्यों है हम लोग क्यों नहीं इंस्पायर कर पाते हैं अब जमाना चेंज हो गया अब जिस तरह पहले हम लोग देखा करते थे कि जो पंच लाइन वो खेला करते थे जिस तरह सिचुएशन में रह के वो बात करते थे मतलब अलबेला साहब की एक फिल्म है तो वाइंड अप चल रहा था तो अलबेला साहब ने एक विलन को फायर मारा है तो उसने भी आगे से मार दिया अब मरने लगे कहते आप कर गया ना मैं कॉमेडी कॉमेडी जो है एक फ्लो था। उमर भाई जब बोलना करते थे, अगर हम उनको देखना शुरू कर दे हमारी यूथ उनको देखना शुरू कर दे मोहिंद साहब और उनको तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़े कॉमेडियन ना बने सही बात असल क्या नाम है आपका मैडम अफशा मैडम आप क्या करती है और इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है माशाल्लाह। फिर तो आप बिल्कुल सवाल करेंगे uh, मेरा क्वेश्चन दोनों से है बिकॉज बोथ ऑफ यू आर कॉमेडियंस यू मेक अस लाफ यू मेक अस स्माइल यू आर डूइंग गुड जॉब थैंक यू अच्छा कॉमेडियंस जो है ना लिटरेचर में क्योंकि कॉमेडी है या ट्रेजडी है दोनों चीज़ें हैं जो अदब में लिटरेचर में शामिल हैं और जो कॉमेडियंस हैं वो भी सोसाइटी को रिफॉर्म्स करने का काम करते हैं यानी माशरे की असलाह करते हैं थ्रू कॉमेडी ठीक है तो नसीम भाई के मैंने बहुत सारे ड्रा ड्रामे देखे हैं यानी मैंने पी टी वी पर ज़्यादा ड्रामे देखे हैं तो ये दूसरों को जब हंसाते हैं तो किसी एक पर्सन की वीकनेस को टारगेट नहीं बनाते यानी किसी को हर्ट किए बगैर हंसाते हैं और आप भी प्रोग्राम में एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये ड्रॉ लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए बगैर दूसरों को हंसाते हैं और दूसरा ये कि अब जो कॉमेडी है वो इस तरह से नहीं है कि सोसाइटी की असलाह भी हो सके तो ऐसी कॉमेडी क्यों नहीं आ रही क्या राइटर नहीं लिख रहे या कॉमेडियन ऐसे नहीं हैं बहुत शुक्रिया है मैडम प्लीज़ बैठिएगा अच्छा नसीम भाई सवाल रिफ्रेश कर दूं थोड़ा सा कि मैडम कह रही हैं

हमारा जो तरीका है हम उसी में हंसाएंगे सही बात है। तो मेरा जो अपना एक टाइमिंग होती है मैं उसी को सिचुएशन को लेकर चलता हूँ जो जैसे उमर भाई लेकर चलते हैं बहुत सही बात तो उसी के अंदर रह के हमने हंसाना है कि मतलब एक डायलॉग है उसको पहले उर्दू में कैसे बोलना है फिर उसको अरबी में कैसे बोलना है फिर चाइनीज में कैसे बोलना है मतलब इसका सिचुएशन बना के समझ गया उसमें यह होता है कि किसी की बेजती नहीं हो रही आप खुद से अपना करके दिखा रहे हो सही कह रहे हो तो जो आजकल है जो पंच लाइन की जैसे कॉमेडी आ गई जो बहन ने कहा है कि लोग एक दूसरे की तस्दीक करते हैं हाँ। मुंह के ऊपर पंचलाइन करते हैं हाँ। ज़ात के ऊपर करते हैं हाँ। तो जिसकी वजह से मुआरे में उनको बुरा समझा है, है तो इसके लिए राइटर का होना बहुत जरूरी है और फिर दूसरा ये कि कुछ कॉमेडियंस का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ का ख्याल किया करें मैं आपको मैडम एक बात बताऊँ देखिए मैं एक जगह लाइन ड्रॉ करता हूँ और दुनिया भर में ऐसा नहीं अमेरिका में आप जाए तो वहाँ पर भी लोग इस तरह की कॉमेडी करते हैं किसी के चेहरे पर माजूरी पे भी कर देते हैं वो अमेरिकन वो सोसाइटी बड़ी एडवांस्ड है वो जोक को एक तो जोक की तरह परसीव करते हैं अभी हम उस तरह से नहीं खुले हैं एज अ सोसाइटी कि हम किसी इवाल्व नहीं हुए कि हम किसी लतीफ़े को लतीफ़े तक ही रखें हम उसको पर्सनल ले भी लेते हैं इसीलिए पाकिस्तान में एक बाउंड्री अलग है अमेरिका में अलग है इंडिया में अलग है हमारी बाउंड्री जो मेरी पर्सनल है कि मैं एक कॉन्सेप्ट है पंच अप करना यानी कि अपने से ताकतवर का मजाक उड़ाया जा सकता है अपने से कमज़ोर का नहीं उड़ाया जा सकता अपने से बराबर का भी उड़ाया जा सकता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हकला होता तो मैं हकलों में मजाक कर सकता मगर अगर मैं स्मूथली बोलता हूँ तो मैं हकलों का मजाक नहीं करता ठीक है ये एक बाउंड मैंने बनाई हुई है बहुत सारी जगहों पर नहीं है ये बाउंड्री जो तो जिनकी नहीं है वो भी गलत नहीं है और जिनकी है वो बिल्कुल ठीक है। मेरा एक मानना ये है कि जो चीज़ किसी इख्तियार में ना हो उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता